अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अदीला। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ आलू पालक की बहुत सिंपल और टेस्टी रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, वेजिटेबल्स जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली ग्रीन लीव वेजिटेबल्स। ये फुल ऑफ विटामिन्स होती हैं, हमारी जिस्म की हर तरह की विटामिन की कमी को पूरा करती हैं। तो जिस तरह से हम मीट वगैरह लेते हैं उसी प्रोपोर्शन से हमें ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आज हम आलू पालक की एक ऐसी मज़ेदार सी और जल्दी बन जाने वाली आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप इसे इंजॉय करेंगे। इसके लिए हमने पालक ले ली है, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है, तो आप रफली चॉप कर लें, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और इसे प्रॉपरली वॉश कर लें। उसके अलावा हमने गार्लिक के 6 से 7 जवे लिए हैं और इसे भी मैंने रफली काट लिया है। 1 मीडियम साइज्ड अनियन लिया है, उसे काट लिया है, और 3 ग्रीन चिलीज ली हैं। कोरिएंडर लीव्स लिए हैं तकरीबन 1/2 कप, और उसके अलावा 2 मीडियम साइज्ड पोटैटो लिए हैं और इस तरह के टुकड़ों में मैंने उन्हें भी काट लिया है। इसके अलावा मैंने 1 टोमेटो लिया है, टोमेटो को फिलहाल मैंने वाटर में रखा हुआ है। वाटर में क्यों रखा हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून ही फुल, तो अगर इसकी जगह आपके पास फ्रेश लीव्स हो मेथी के तो आप वो यूज कर लें। उसके अलावा हमें चाहिए होगी क्रीम, क्रीम मैंने 2 टेबल स्पून भर कर लिए हैं। आप चाहें तो दूध के ऊपर आई हुई बालाई जो है वो भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने लिया है रेड पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, क्यूमन पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये तमाम चीजें हमें चाहिए होंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। टोमेटो को मैंने फ्रीज करके रखा था, इसके बाद मैंने डीप फ्रीज करने के लिए इसे वाटर में डिप कर दिया। वाटर मैंने अब निकाल दिया है। देखिए, इससे ये फायदा होता है कि इसका जो पील है वो बहुत आसानी से उतर जाता है, क्योंकि इसका पील जो है वो डाइजेस्टिबल नहीं होता। तो बहुत अच्छा होता है कि आप अगर इसे रिमूव कर दें तो इससे किडनी वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स हैं उन्हें टोमेटो का पील यूज नहीं करना चाहिए, तो रिमूव कर देना ज्यादा बेटर है। ये देखिए, ये सारा रिमूव कर लिया मैंने, बहुत आसानी से हो जाता है। अब एक पैन लेंगे, इसमें मैंने ऑयल रखा है तकरीबन 1/4 कप। ऑयल हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, तो उसमें मैंने ये सारी जो वेजिटेबल रफली चॉप की हुई थी, अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, ये ऐड कर दी हैं, और साथ ही स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। टोमेटो को जस्ट मैंने 2 पार्ट्स में किया है और उसे भी ऐड कर दिया है। तो बहुत ज्यादा फाइनली सारी चीजों को चॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पालक कुक होती है तो ये सारी चीजें भी साथ ही कुक हो जाती हैं, और ना ही किसी चीज को ब्राउन करने की जरूरत है, उससे इनकी न्यूट्रिशन पर असर पड़ता है। पालक ऐड कर देंगे, अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने लिड उठाया है, तो ये देखिए कि हमारी जो पालक है काफी हद तक कुक हो चुकी है, लेकिन इसका जो वाटर है प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ। तो इसी वाटर में कुक होने के लिए मैं अब पोटैटोज ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स किया है मैंने, और इसे कवर करके अगेन कुक हो जाने तक छोड़ देंगे। तो व्यूवर्स, हमारे जो पोटैटोज हैं ये तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इनकी करेंगे भुनाई। भुनाई के दौरान ही जिन चीज़ों को मैश होना होगा वो मैश हो जाएंगी। ये देखिए, पोटैटोज हमारे कुक हो चुके हैं, चेक कर लेंगे यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमने सारा इसका ड्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है कसूरी मेथी, तो अगर आपके पास फ्रेश लीव्स हैं मेथी के तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, और साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं कोरिएंडर लीव्स और क्रीम। क्रीम ऐड करने के बाद अब हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जितनी भुनाई करनी है वो क्रीम ऐड करने से पहले तक ही करनी है। इसके बाद हम इसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट कवर करके देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊज आउट हो जाए।
तो व्यूवर्स, ऑयल जो है वो निकल चुका है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अपने मनपसंद तरीके से इसे गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी न्यू और यमी रेसिपी के साथ। सो कीप वॉचिंग किचन विद अदीला।